को देते सूप तो अक्सा इसको खा के बताती है, पी के ये खा के बताती है। अक्सर आपका रेडी है सूप? अक्सर को ठंड बहुत लग रही थी, फिर देखिए हीटर भी चल रहा है, अक्सर को बहुत ठंड लग रही थी, तो ये मैंने अक्सर ने फरमाइश की थी तो मैंने अक्सर के लिए सूप बनाया। सीमा 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 जी मुन्ना, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शिवम यहाँ बैठी हुई नाश्ता कर रही है। बिस्किट क्या कर रही है नाश्ते में बताओ। अपने बिस्किट और चाय में मैंने दिखाओ ये बिस्किट में खा चुकी थी। ये बिस्किट और चाय कर रही है। ये सीमा आपके पेपर खत्म हो गए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सीमा आपके पेपर खत्म तो आज तो इसकी छुट्टियां पड़ गई, अब ये घर में रहती है मगर अक्सर स्कूल जाती है। अक्सर स्कूल जाती है, अक्सर स्कूल गई हुई है। उसके भी अगले हफ्ते से पेपर शुरू हुए, वो स्कूल में ही हो गए। इसके बोर्ड के थे, 8 क्लास के थे, तो वो ये दूसरे स्कूल में जाती थी देने पेपर। बस आप लोग इसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि ये अच्छे नंबरों से पास आए। आमीन सुबह आमीन। चले सिबाब जल्दी से नाश्ता कर लो बेटा। हाँ फिर बाज़ार भी जाना है आज। देखिए हम लोग बाज़ार जाएंगे क्योंकि सर्दियाँ यहाँ शुरू हो गई है, और हर बल्कि हर जगह हो गई होगी सर्दियाँ शुरू। नवंबर चल रहा है तो हमें सर्दियों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह लेने हैं, जूते वगैरह लेने हैं बच्चों के, अक्सर की जैकेट लेनी है। तो हम जाएंगे आज, देखिए कोशिश करेंगे। 2-3 दिन से प्रोग्राम बना रहे मगर 3 दिन से हम लोग प्रोग्राम बना रहे मगर जा नहीं पा रहे। देखो इंशाल्लाह आज जाएंगे। और सीमा आपने ना फरमाइश भी की है कि मम्मा गाजर का हलवा बना के दो, तो आज उसके लिए बाज़ार जाएंगे हम। उसके लिए खोया लेने जाएंगे और गाजर लेने जाएंगे। हमें थोड़ी बहुत भी चीज़ लेनी पड़ती है ना तो हमें बाज़ार जाना पड़ता है। इधर से करीब से हमारे यहाँ कोयटा में करीब से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। बाज़ार जाओ 300-400 का पेट्रोल खर्च करके, चाहे सुई भी लेने जाना हो ना, सुई भी चाहिए आपको तो बाज़ार जाना पड़ता है, दुकानों में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए बाज़ार जाएंगे, वहाँ से खोया लेंगे स्वीट दुकान से, फिर उसके बाद गाजर लेंगे और थोड़ी सी अपनी शॉपिंग भी करेंगे अगर आज गए। मगर शॉपिंग के लिए देखो आज जाते या नहीं जाते, मगर बाज़ार तो जाना ही है। खोया और गाजर कल वाले जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। मुझे बाज़ार से एक चीज़ चाहिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको तो मैंने एक बार्बी हाउस बनाया है, तो इसके लिए भी मैं चीज़ें खरीद के लाऊंगी। जैसे के लिए थोड़ी सी एक बार्बी लाऊंगी छोटी वाली, और कुछ बर्तन लाऊंगी, फिर मैं इसके साथ खेला करूंगी क्योंकि अक्सर नहीं होती है, फिर मैं घर पर बोर हो जाती हूँ तो कोई नहीं होता है मेरे साथ खेलने को, फिर मैं इसके साथ ही खेल लिया करूँगी। दिखाओ अपना बार्बी हाउस। अभी ये पूरा नहीं हुआ, जब पूरा होएगा फिर मैं फ्रेंड्स को ये दिखाऊंगी। दिखाना आजकल ये अपनी गुड़िया के साथ खेलना चाह रही है, खिलौने वगैरह के साथ खेलती है, अकेली होती है घर में, बोर हो जाती है। 2-3 दिन हो गए इसके पेपर ख़त्म हुए हैं, बोर हो जाती है, अक्सर भी स्कूल गई हुई होती है। चले जब अक्सर आएगी आपसे मिलवाएगी और सलाम करवाएगी और व्लॉग मुकम्मल करेंगे। हमारा व्लॉग कोशिश करेंगे कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन भेजे व्लॉग को बनाए और भेजे अपलोड करें। आप लोग ज़रूर हमारे व्लॉग को देखे करें, ज़रूर देखें। हमने दोबारा शुरू कर दिया है, पहले बच्चों के पेपरों में कुछ हमारा मोबाइल घूमता उसकी वजह से रह गया, मगर डेली हम कोशिश करेंगे। रोज़ाना डेली भी हो सकता है बना लें, डेली व्लॉग भी आ जाए, हो सकता है एक दिन छोड़ के भी आ जाए। हमारा व्लॉग ज़रूर देखें आप लोग और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब करा दें और 4000 वाच टाइम। जल्दी जल्दी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाच करें, हमारी वीडियो को देखें, शुक्रिया। यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ, सीमा आप गई हुई है अक्सर को स्कूल लेने की, आज मैंने तोरी और गोश्त बनाया, बड़े का गोश्त का सारा। अभी जब बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। या मेरी रोटियां बना रही थी, मैंने कहा बच्चों का आने का टाइम हो गया स्कूल से तो रोटियां बना लूँ जल्दी जल्दी। अभी कोई मांगने वाली भी आ गई थी, उसको भी 2 रोटियां बनाई, इसलिए देर हो गई मुझे, और भी 2 रोटियां दी। ये देखे मैं आटा रखा हुआ, जल्दी से रोटियां बना लूँ और अक्सर आने वाली है अक्सर से। रोटी पका चुकी हूँ मैं, अब सालों को देखते हैं।
कितना बन गया। ये लाते, ये देखे गोश डाला हुआ है मैंने, थोड़ा सा ये भुनेगा, इसका पानी खुश्क होगा तो फिर ये पक जाएगा। इस पर धनिया वगैरह डालोगी। गाइस अक्सर ने देखे आज ना सूप की फरमाइश की, मैं ये वाला पैकेट वाला सूप बना रही, चिकन कॉर्न सूप ये बना रही, तो दिखाती हूँ आपको भी मैं। और यहाँ इस तरफ मैं शाम की रोटियाँ बना रही हूँ। ये लोग रोटियाँ खाना नहीं खाएंगे, इन्होंने कहा मैं सूप बना के दो, सर्दी बहुत हो रही है इसलिए मैं सूप बना रही हूँ। ये पैकेट वाला पूरा सूप डाल रही, 3 गिलास मैंने पानी डाला है। और ये मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, आप हमारे दूसरे चैनल पर जाके देखें हमारी इसकी रेसिपी। और गाइस आज हम शॉपिंग करने बाज़ार नहीं जा सके क्योंकि इनके पापा देर से आए थे, मीटिंग थी इनके पापा की, शाम में 5-6 बजे आए थे, तो आज हम नहीं जा सके। तो अब देखें जब टाइम मिलेगा फिर जाएगी शॉपिंग करने। गाइस बन गया, बस अब इसमें फेंट के अंडा डालेगी। एक अंडा लिया, उसको फेंट के डाल दिया हमने, अब चम्मच से इसको चलाते जाएंगे। देखिए ये सूप बन कर रेडी हो चुका है। हमारा दूसरा चैनल है एंड कुकिंग एंड कुरान, ये हमारे चैनल का नाम है, आप जाके उस पर वॉच करें। देखिए हमारी रेसिपी है, रेसिपी का चैनल कुकिंग का। चले चूल्हा ऑफ कर देते हैं और रेडी है, आप अक्सर को देते शॉप करते हैं, ये अक्सर को देते सूप, तो अक्सर इसको खा के बताती है, पी के ये खा के बताती है। अक्सर आपका रेडी है सूप, अक्सर को ठंड बहुत लग रही थी, ये देखिए हीटर भी चल रहा है, अक्सर को बहुत ठंड लग रही थी, तो ये मैंने अक्सर ने फरमाइश की थी तो मैंने अक्सर के लिए सूप बनाया। अक्सर पी के बताओ कैसे बनाया मम्मा ने, टेस्टी बनाया। मजे का टेस्टी है, अच्छा है, मैं भी पी के देखती हूँ। मेरा भी गला वैसा हो रहा है खराब, या ठंड से नज़ला भी हो रहा है सबको, बस चलो आप जल्दी से पी लो फिर बाद में वीडियो का भी एंड करेंगे, ठीक है। अक्सर ने सूप पी लिया है, यखनी चिकन कॉर्न सूप पी लिया है और यहाँ बैठी हुई है कंबल के, इसको सर्दी लग रही है, हालांकि हीटर भी चल रहा है फिर भी ठंड लग रही है। अक्सर चलो बेड पे सोने चलो, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का बुखार भी हो रहा है, इसकी आंखें चढ़ी चढ़ी हो रही है, तो मैंने देखा है हल्का बुखार हो रहा है, इसका दांत भी टूट रहा है ना, इसकी वजह से भी हो रहा होगा बुखार, और ठंड की वजह से भी हो रहा है। सुबह सुबह तीन तीन टूट रहे हैं, सुबह सुबह स्कूल भी जाना पड़ता है ठंड में, बस अब ये पेपर हो जाए तो जान छूट जाए बच्चों की, सुबह उठने का मसला, फिर छुट्टियाँ पड़ जाएगी इसकी भी। सिमाप के तो पेपर हो गए इसके, बस हो जाए, सिमाप की तो छुट्टियाँ पड़ गई है। सिमाप ने दूसरी तब मैं वो सूप नहीं पी थी तो उसने मुझे चीनी का पराठा फरमाइश की थी, वो चीनी का पराठा खा रही है। चलो अक्सर वीडियो का एंड करो, इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, मिलेगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अक्सर को देखे ये सिलेबस भी मिल गया, इसके पेपर हो एग्जाम्स होने वाले, ये देखे सिलेबस, इसका सिलेबस है, दिखाओ बेटा ये सिलेबस, सीधा पकड़ो बेटा सीधा पकड़ो, ये है और उस तब करो सीधे तब करो, ये बस इसकी डेट शीट भी मिलने वाली है 1-2 दिन में, फिर एग्जाम भी शुरू होने वाले। चले इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।